पूजा और आप देख रहे हैं जेनेसिस पूजा। तो गाइस काफ़ी दिनों के बाद मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम था इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं कर पाई। तो आज हम लोग आए हैं रचना हली एक गार्डन में। तो ये गार्डन काफ़ी खूबसूरत है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक ब्लॉग बनाया जाए। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये है रंगोली गार्डन, इसको गांव का थीम पार्क भी कहते हैं। तो चलिए आप लोगों को अंदर जाके दिखाते हैं क्या क्या है इसके अंदर। इस गार्डन का नाम है रंगोली गार्डन, जो रचना हली में है। और ये देखिए इसका टिकट प्राइस 9 से 6 बजे तक ये खुला रहता है। तो गाइस ये है टिकट काउंटर, यहाँ पे हम लोग टिकट लेंगे। तो गाइस ये ले लिया है हमने टिकट, ये है रंगोली गार्डन। तो चलिए अभी एंट्री करते हैं, टिकट ले लिया है। तो हाथ में टैग लगाने के बाद अभी देखिए यहाँ पे गांव का दृश्य दिखाया गया है, कर्नाटका के जो ट्रेडिशनल गांव है उसी का लुक दिया गया है यहाँ पे। ये देखिए घर का स्टाइल देखिए यहाँ पे। तो पुराने ज़माने में जड़ी बूटियों से अपना इलाज कराते हैं। यहाँ पे देखिए पैजी बैठे हुए हैं और इलाज कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए राशन का दुकान, लोग राशन ले रहे हैं। और ये आलू सच में आलू नहीं है, इसको बनाया गया है। और यहाँ पे है दर्जी के दुकान, और यहाँ पे एक आंटी सिलाई कर रही है। ये है आगरा हरा ब्राह्मण कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे बच्चे लोग गुरुओं से शिक्षा ले रहे हैं। तो ये देखिए ये है मैंगलुरु हाउस। काफी खूबसूरत है ना ये घर। और यहाँ पे देखिए ये है बैलगाड़ी, बैलगाड़ी के ऊपर बच्चे लोग खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। देखिए गाय भी आर्टिफिशियल बनाया है, एकदम रियल सा लग रहा है। ये सब आर्टिफिशियल है, लग भी नहीं रहा है, पूरा रियल लग रहा है देखिए। काफ़ी खूबसूरत तरीके से इस कल्चर को दर्शाया गया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। चलिए अंदर और भी है देखते हैं। वाओ ये देखिए बच्चे को अपनी मम्मी खाना खिला रही है। और ये पुराने ज़माने का किचन है यहाँ पे। और इसके ठीक सामने है गौशाला, काफ़ी सारे गाय हैं। बिल्कुल ओरिजिनल लगता है लेकिन ओरिजिनल है नहीं। और गाइस यहाँ पे पंचायत बैठी है, गांव के सरपंच बैठे हैं यहाँ पे, और गांव के सभी लोग भी हैं। और यहाँ पे देखिए गाइस कितनी खूबसूरत तरीके से मम्मी अपने बच्चे को नहला रही है। यहाँ पे एक औरत चक्की पीस रही है। और यहाँ पे देखिए छोटी सी बिल्ली भी है। काफ़ी सुंदर सुंदर ट्रेडिशनल लुक यहाँ पे दर्शाया गया है। एक औरत रंगोली बना रही है और दूसरी औरत बर्तन को रख रही है, घर का जो काम होता है वही कर रहे हैं यहाँ पे।
तो चलिए गाइस अभी इस घर के अंदर घुसते हैं और देखते हैं क्या क्या है इसमें। यह है रूरल टाइप हाउस। यहाँ पे दो औरत गप्पे लड़ा रही है और एक आदमी जो बुक लेके बैठे हैं और साथ में एक डॉगी भी है। चलिए अभी अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है अंदर। और यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो 2-3 महीने के होते हैं, उनको अच्छे से मालिश वगैरह करके नहलाते हैं, तो उसी तरह यहाँ पे नहला रहे हैं। और बिल्ली तो मेरे तरफ देख रही है, देखिए हाँ खा जाएगी मुझे। ये एक्चुअली धोबी कल्चर है। यहाँ पे गांव के लोग कपड़े लेकर, कपड़े का बोरी लेकर गधे के ऊपर डालते हैं और कपड़े धोने के लिए लेकर जाते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट घर पे, यहाँ पे क्या हो रहा है। और यहाँ पे देखिए छोटे छोटे गुड़िया बनाते हैं और गुड़िया को बेचते भी हैं बाजार में ले जाके। तो चलिए गाइस अभी गांव में कैसे बर्तन बनाते हैं, यहाँ पे देखिए लोग कैसे बर्तन बना रहे हैं। अभी नेक्स्ट है, यहाँ पे एक औरत चूड़ी बेच रही है। गांव में घर घर में जाके जो चूड़ियाँ लेकर जाते हैं, यही यहाँ पे दर्शाया गया है। और ये देखिए गांव का कल्चर है ये कि लोग पानी भरने जाते हैं बहुत दूर तक, तो यहाँ पे यही दर्शाया गया है। तो ये है कर्नाटका का कुर्क कल्चर। तो यहाँ के कुर्क कल्चर का दृश्य दर्शाया गया है। तो नेक्स्ट है एक स्कूल है जो पहले पुराने ज़माने में मंदिर में बच्चे को पढ़ाया जाता था, तो उसी को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो गाइस बारिश भी आ गया है, हम लोग पैदल चल रहे हैं और ये सब दृश्य देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा रुक रुक के देखना पड़ रहा है। सो ये है ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम। इसके अंदर घुसते हैं, देखते हैं क्या क्या है। फार्म में जो लोग करते हैं वही यहाँ पे दर्शाया गया है। खेती बाड़ी ये सब, पेड़ पौधे लगाना, यही सब दिखाया गया है। तो गाइस देखिए गांव में कैसे बाजार बैठता है, यहाँ पे यही को दर्शाया गया है। तो लोग यहाँ पे बाजार ले रहे हैं। बहुत बड़ा मार्केट है। और ये कर्नाटका का कल्चर है कि गौ माता को लेकर जाते हैं और घर घर जाकर इस बांसुरी बजाते हैं और थोड़ा बहुत भिक्षा भी लेते हैं। बाहर काफी बारिश होने के वजह से हम लोग एक रेस्टोरेंट में आ गए हैं और यहाँ पे थोड़ा बहुत खाना खाया हमने, स्नैक्स खाया। और इस रेस्टोरेंट के सामने एक आदमी बैठे हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, और जो लोग मिट्टी का बर्तन बनाना चाहते हैं तो ये मदद करते हैं और यहाँ पे इनके सामने बैठ के मिट्टी का बर्तन बनाते हैं। तो यहाँ पे एक लड़की बैठ गई है मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए और भैया अभी हेल्प करेंगे इनको मिट्टी का बर्तन बनाने में। तो देखा गाइस कितने आसान तरीके से मिट्टी का बर्तन बना लिया है इन्होंने। इसी तरह सभी लोग आकर यहाँ पे मिट्टी का बर्तन बनाते हैं और इसका पैसे भी लगते हैं, उसका प्राइस मुझे पता नहीं है, मैं पूछ के आप लोगों को बता दूँगी। तो अभी भैया से पूछा मैंने तो इसका प्राइस है 50 रुपीज़। तो 50 रुपीज़ का टिकट कटने के बाद आप लोग मिट्टी का बर्तन बना सकते हो। और ये देखिए गाइस, ये है गाँव में जो कुश्तियाँ लड़वाया जाता है उसी को ही दर्शाया गया है। यहाँ पे गांव के लोग खड़े रहते हैं और कुश्तियाँ लड़ाया जाता है, तो इसी को ही दिखाया गया है यहाँ पे। तो गाइस ये है कर्नाटका का संस्कृति को यहाँ पे दर्शाया गया है, ये देखिए।
काफी सुंदर ये नजारा है। तो ये रहा घर गाइस, बहुत ही खूबसूरत ये घर है। काश ऐसा मेरा घर हो जाता सच्ची में। लेकिन ये है म्यूजियम में, तो हम लोग म्यूजियम में आए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। तो कर्नाटका के गांव में ऐसे घर अभी भी है, तो इसे अभी दर्शाया गया है। और इसके अंदर है, अच्छा यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम वगैरह होता है। यहाँ पे अगर पार्टी वगैरह करना हो तो यहाँ पे कर सकते हैं, बुकिंग करना पड़ता है इसको। तो गाइस हमारा विलेज थीम पार्क घूमना हो गया है, अभी हम लोग जा रहे हैं घर वापस। तो नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ही जल्दी आएगा, तब तक के लिए बाय।